तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं फसल। चलिए, मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा हूं। और ये हमारे भाई मेरे साथ। अभी 12 बजे का दोस्तों, पर सुबह का मौसम दिख रहा है आपको, काफ़ी ज़्यादा ठंड है दोस्तों। यहाँ बोलूँ आपको, अभी भी काफ़ी ज़्यादा खुआसा इसलिए जा रहा घूमने के लिए। तो दोस्तों, मेरा भैया अभी जाएंगे उधर क्रिकेट वगैरह खेलने, और मैं अभी जा रहा हूँ खेत देखने। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। और मुझे ठंडी लग रहा था भाई, ये लगा ले। ये देखिए दोस्तों, हम लोग कितना जंगल में रहते हैं, इधर जंगल ही जंगल। और हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं तो जंगल की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग घर वहाँ पे है, काफ़ी दूर नहीं, वहाँ से 4-5 कदम आगे वहाँ पे घर है। और पूरा का पूरा जंगल है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा जंगल है। फिलहाल बहुत ज़्यादा दूर से मैं आ रहा हूँ अपने घर की तरफ से, और लास्ट में यहाँ पर खेत दिखता है, जो कि हम लोग इधर वन बोलते हैं। और ये वन को बहुत ज़्यादा नाम से भी जाना जाता है, रहवान, क्या बोलते हैं, मझौरा वगैरह वगैरह हम लोग इधर नाम रखा हुआ है। तो फिलहाल मैं अभी अपने खेतों की तरफ आ चुका हूँ। मेरा फर्स्ट नंबर पर ये खेत है, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उधर भी है। वो पौधा देख रहे हैं वहाँ पे, उचका नाम से जानते हैं, वो मेरा ही है। और उसके बाद भी मेरा ही खेत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखलाएंगे। और यहाँ पे जो ज़्यादा जम चुका है ना, जैसे कि रैंची सरसों जो गेहूँ को दबा देंगे, तो इसके लिए मुझे जो है ना यहाँ का सरसों रैंची उखाड़ना पड़ेगा, वो आप लोगों को दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं अभी उधर से आऊँगा देख कर। तो दोस्तों, ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है, और खेत भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि चोरी भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को दिखाए दोस्तों, ये रैंची है, तो इतना उखाड़ना मुझे ज़रूरी है, नहीं तो गेहूँ ख़राब हो जाएगा। तो उखाड़ के मेरा काम आएगा, और जो उखाड़ते हैं चोरी करते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो इसका क्या काम आता है वो आप लोगों को दिखलाएंगे। फिलहाल दोस्तों, चलिए अभी आप लोगों को उचका पे, उचका नाम से जानते हैं, वहाँ पर पौधा है, आम का पौधा है, वहाँ पर आप लोग दिखलाते हैं। वहाँ पर भी मेरा गेहूँ है, गेहूँ की खेती है, खेती कर रहे हैं। और यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और ठंड में ही गेहूं की खेती होता है, जहां तक कि आप लोगों को पता होगा। कौन सा खेत मिलेगा मुझे पता नहीं, शायद वो वाला खेत में है। चलिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए मैं अकेला हूं यहां पर, कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, कोसों दूर कहीं नहीं है कोई। तो दोस्तों, ये देखिए क्या चीज़ की फसल है। फिलहाल मैं आप लोग दिखाता हूँ ये क्या चीज़ का खेती हो रहा है। ये गाजर की खेती हो रहा है दोस्तों, और एक गाजर मैं उखाड़ूंगा आप लोगों के दिखाने के लिए। बहुत छोटा पीस है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से गाजर होता है, इसको सफाई करने के बाद खाया जाता है, पत्ता से आप लोग देख सकते हैं, इसे कहते हैं गाजर। तो चलिए दोस्तों, इसको साफ़ करेंगे उसके बाद खाएँगे, क्योंकि ये अच्छा लगता है। और देसी उसी टाइम उखा रहे उसी टाइम खाए तो और मज़ा आता है दोस्तों। कभी आप लोग खाए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए दोस्तों। चलिए, मैं अपने ये उचका पे जाऊंगा, और उसके बाद उसी जगह पे साफ़ करके खाऊंगा। और यही मेरा एक उचका नाम से जाना जाता है। ये 4-5 पौधा है, फिलहाल 5 पौधा है, 1-2-3-4-5 पौधा है आम का वगैरह है। और ये मेरे गेहूँ की फसल है, और अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, जो कि बना दिया हूँ फिलहाल, उसको पूरा बनने में 3 महीने लग जाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गेहूँ की फसल किस तरीके से होती है, और सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों, और पूरा A to Z बाव के किस तरीके से वो जमता है, वो सब दिखाऊंगा दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा, आज से 2 महीने के बाद वीडियो आएगा। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने तीसरे खेत के पास। पहला मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाया, दूसरा वहाँ पर है, और तीसरा ये है, और चौथा खेत वहाँ पर है। और खेत है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, बटैया दिया हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल मैं 4 ही खेत कर रहा हूँ, और अगला फसल से मैं पूरा खेत करूँगा, जितना भी मेरे पास खेत है। अभी मैं जितना भी खेत में आधा से ज़्यादा बटैया दिया हूँ, जो बटेदार आते हैं वो बटैया लेकर के आधा आधा पे खेती करते हैं। फिलहाल दोस्तों, ये मेरा खेत है, इसमें साफ है, कोई रैंची वगैरह नहीं जमा है,
और ये गजरा भी खाना बाकी है तो खाऊंगा दोस्तों। पहले वहाँ पे भी खेत है, चलिए उसको छोड़िए, जा रहे रैंची उखाड़ने। और मुझे इसको साफ़ करने के लिए घास की जरूरत पड़ेगा और घास मिल चुका है, तो फिलहाल इसको जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं और खाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये दुबरी है और इसको इस पर साफ़ करने से पूरा साफ़ हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को, अगर क्या बोलते हैं, अगर आप लोग इस तरीके से खाए हुए हैं तो यार आप लोग भी जो है ना, या क्या कर सकते, कमेंट कीजिए यार, मुझे अच्छा लगेगा। और इसको जल्दी जल्दी साफ़ कर लेते भाई। देख रहे गाइस कितना मस्त हो रहा है साफ़, जल्दी जल्दी साफ़ करूँगा इसको और आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए कितना ज़्यादा साफ़ कर दिया हूँ, ये खाने लायक हो चुका है। और ये गाजर है, ब्लैक गाजर, और इसका पत्ता मैं अभी नहीं तोड़ रहा हूँ, खाते वक्त अच्छा लगेगा। तो भाई साहब, आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग विलेज में हैं, अपने गाँव में हैं, खेतों की तरफ आइए और इस तरीके से चोरी करके खाइए, काफ़ी इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कहूँगा चोरी करके, आप लोग पूछ के भी खा सकते हैं। फिलहाल मेरे जो भी खेती की है ना, वो मेरे ही आदमी है, मेरे रिश्तेदार में लगते हैं, तो चोरी नहीं हुआ, अपना ही आदमी का तो खा रहे हैं, ठीक है ना गाइस। तो ऐसा नहीं, आप लोग सोचेगा नहीं कि भाई कि वो हमें चोरी करके खा रहा है, बहुत टेस्टी है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों, हामिद भाई को क्या है, घर पे है, वीडियो वीडियो बना रहा है, पैसा कमा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक मैं यूट्यूब से एक रुपया भी नहीं कमाया। अगर आप लोगों का सहायता रहेगा तो मैं आप लोगों को अपने विलेज का वीडियो बना बना करके विलेज ही का वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखलाऊंगा। तो मैं आ चुका हूँ अपने इसी खेत जो आप लोग पहले दिखाए थे, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रैंची सरसों जम चुका है, तो मैं इसको अभी जल्दी जल्दी उखाड़ूंगा, इतना नहीं उखाड़ूंगा, थोड़ा बहुत उखाड़ूंगा जो कि मुझे थोड़ा बहुत काम आ सके। तो दोस्तों फाइनली मैंने सरसों उखाड़ लिया है, और मैंने थोड़ा बहुत उखाड़ा है, ज़्यादा नहीं, और ये जो है ना कल तक मैं उखाड़ लूँगा, क्योंकि मुझे जितना की ज़रूरत है उतना ही उखाड़ूँगा, ना कि घर पे ले जाकर बर्बाद करूँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये क्या क्या चीज़ में काम आता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले दोस्तों ये साग बनाया जाता है, जो सरसों के पत्ता होते हैं ना, उसका साग बनाया जाता है। इसमें सरसों भी है, रैंची है, रैंची का साग नहीं बनाया, बहुत तीता होता है, फिलहाल सरसों का बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों साग होता है, और माल जाल जैसे भैंसी हो गया, गाय हो गया, काफ़ी ऐसे जानवर है, बकरी वगैरह सब खाती है इसको, ठीक है ना, और इंसान भी खाते हैं इसको।
तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर देना और एक लाइक कर देना, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से। इसके लिए इतना ही, बाय बाय।